आज भानु मथुरा से धन लेके लौटेगो तो मैं सीधा हाट जाऊंगी और जसोदा के लिए एक महंगा सा उपहार लूंगी। कछु लाभ ना होगो। मैं भी काना के लिए लूंगी एक विशेष उपहार और इस बार उसे भी मैं माखन के साथ रख दूंगी ताकि काना लोभ में आके बार बार मेरे घर आवेगो। दो दिन से वो किसी के घर ना आयो है, तेरे घर आएगा दोबारा? जब देखो तब कोई ना कोई प्रश्न करतो रहतो है हमसे, पर इस बार दिखेगो तो हमारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा उसे। आगो। अब ये क्या है? ये क्या कर रहे हो? और ये हमें अपना मुंह क्यों ना दिखा रहे है? हाँ ये सब का है। अब पहले माखन चुरा तो है और अब लज्जा आ रही है तो मुंह छुपा रहे है। लज्जा उससे आए जिससे चोरी कियो। मैं क्यों लजाने लगूं भला? अच्छा तो ये बता लल्ला कि ये सलोनों से मुंह क्यों छुपा रखो तूने? ताकि आप सब मेरी झलक भी ना देख पाओ। अच्छा साहस है तो आंखों में आंखें डालकर बात कर। मैं यशोमती मैया का लल्ला हूँ। सास कूट कूट के भरो है मुझ में। पूछो क्या पूछना है? पहले तो ये बता आज किसके घर जाएगो तू चोरी करने? चोरी और मैं? आदिक भोला मत बन। जे सब कौतुक जसोदा जी के पास चलेगो यहाँ ना चलेगो। बस इतना बता दे कान्हा, आजकल माखन खाने का मन ना हो रहा है या पकड़े जाने से भयभीत हो गो है तू? बछड़ो को उनका अधिकार दिलानो अनुचित थोड़ी है। दूध दही माखन पे पहला अधिकार मालिक को कोई हो तो है। इसलिए भयभीत वो हो जिसने कछु अनुचित किया हो। यशोदा भाभी अब क्यों भयभीत हो गो? भयभीत क्या हुआ? मैं तो बस जा रहा था। अच्छा मान लियो कि भयभीत ना हो रो है, अब ये बता कि हमारे घर क्यों ना आ रो है? हमने यशोदा भाभी से तेरी बात बता दी इसलिए क्रोधित है क्या? मैं मटकी ऊपर लटकाती हूँ इसलिए ना आयो? मेरे यहाँ का माखन अच्छा ना लगो क्या? किसी के यहाँ माखन बच्चों ही का है। जो आऊं सारा का सारा तो दे दियो उस व्यापारी को। अब भूल की है तो फिर मिलेगो ही ना। वाह लल्ला, चोरी तू करे और भूल हमारी? ना ना, अब बुरा मानने या चिंता करने से कछु लाभ ना होगा। हम कहाँ बुरा मान रहे हैं और चिंता भी ना कर रहे हैं। जब यहाँ आवास हो जाए वहाँ भूल हुई है तो उसे मान के सीख लेनी चाहिए। सही है लल्ला, एक तो माखन चुरा तो है ऊपर से ज्ञान भी देतो है। मैं तो बस वो एक बता रहा था चाची जो मैया ने सिखायो है। क्या और क्या क्या सिखायो तेरी मैया ने? यही कि परिस्थिति कैसी भी हो चिंतित होना समाधान ना हो तो। समाधान तो चिंतन करने से ही मिलता है। अरे अरे अरे, अरे? जे माखन छोड़ दो हमें उपदेश देके भागो। वो देखो सब लोग इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं?
जैसी ये बात गोपियों को पता चलेगी बहू तक ये बात पहुंचने में अधिक समय न लगेगा और नारायणी जाने उसके बाद बहू के मन पर क्या बीतेगी। कहीं वो फिर से खड़े निर्णय न ले ले। बड़ा निर्णय तो आज मुझे लेना होगा भैया। मुझे जय निर्धारित करना होगा कि यशोदा को कंस के बारे में क्या क्या बताना है और कैसे बताना है। और मुझे जय भी सोचना होगा कि मुझे क्या करना है। बाबा होने का दायित्व निभाकर अपने लल्ला की रक्षा करूं या राजा होने का कर्तव्य निभाकर अपनी प्रजा के हित को अधिक महत्व दूं। नारायण ही जाने के इस दुविधा का हल कैसे निकले अब तो वो ही बचा सकते हैं भैया।